अच्छा यार, लाहौर में इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है ऑलमोस्ट 41, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है 17। आज़ाद कश्मीर आए। सफ़रिंग का शौक़ मुझे शुरू से तो नहीं था, लेकिन क्या करें, मेरे वालिद साहब को बहुत शौक है दुनिया एक्सप्लोर करने का। उस वजह से वो शौक़ मुझ में भी डेवलप हो गया, जिसका नतीजा ये है कि मैं साल में 4 से 5 बार लाहौर की तपती हुई गलियों से निकलकर किसी और मुल्क या शहर की गलियों में जाके बैठ जाता हूँ, और उसी का नतीजा है कि मैं आज जा रहा हूँ आज़ाद कश्मीर। हमारा ये सफ़र शुरू हुआ लाहौर से रात 12 बजे। 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम रुके भेरा में। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस पेट्रोल भरवाओ और निकलो आगे। सुबह तकरीबन 5 बजे हम पहुँचे इस्लामाबाद, लेकिन हमारा पहला स्टॉप था मुजफ्फराबाद, इसलिए हम कहीं पर भी नहीं रुके। हाँ भैया, हम पहुंच गए हैं मुजफ्फराबाद, और यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट चल रहा है तकरीबन 28-29, क्योंकि थोड़ा सा अभी सुबह का टाइम है, 9 बजे हैं, तो यहाँ पे वैसे टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 35 के करीब चलता है। तो यहाँ पे बस नाश्ते के लिए रुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, और उसके बाद यहाँ से तकरीबन 4-5 घंटे की मज़ीद आगे ड्राइव है। केरन जाना है ना, केरन जाना है, और फिर उसके बाद आगे शारदा है और आरंगेल है, तो रास्ता जो है वो काफ़ी ज़रा लंबा है, हमारे साथ रहिएगा। ये भाई हैं, फ्रेम खोलें ज़रा भाई का, रजा भाई हैं ये, और ये भी हमारे साथ आए हुए हैं, और ये भी पीछे ज़रा चेक करें, ये भाई दील है, दील नॉटी, हेलो बोलते हैं, हेलो। ये भाई चेक करें ज़रा, ये अभी फ्रेश होके आए हैं। हाँ जी भाई, लाइफ में 3 चीज़ों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, खाना, पहनना और घूमना। अगर ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में से निकाल दी जाए ना, तो आपकी लाइफ गेम ऑफ थ्रोन के आखिरी सीज़न की तरह बिल्कुल टट्टी हो जाएगी। वेल सेड। बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम केरन जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर जो है वो वाटरफॉल आती है, तो हम वाटरफॉल देखने के लिए रुके हैं, तो आप भी ज़रा माहौल चेक करें वाटरफॉल के। Can somebody save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare at my window. ये वाटरफॉल तो इस जन्नत का भी ट्रेलर है। इसका असली स्टार्टिंग पॉइंट है कुंडलशाही वाटरफॉल एट कोटन। कुंडलशाही वाटरफॉल देखने के बाद हम पहुंचे अपनी अगली डेस्टिनेशन किरण पर, और यहां हुआ हमारा पहला दिन खत्म। अगले दिन हम निकल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, विच वॉज आरंगेल। बट अगर केल गए और रास्ते में शारदा ना गए, तो फिर केल गए ही क्यों। बॉयज एंड गर्ल्स, आई डे 2 है, और हम केरन से तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव है शारदा, तो अभी हम शारदा आए हैं। यहाँ पे एक शारदा यूनिवर्सिटी है, मैं पहले एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो मैंने वो यूनिवर्सिटी देखी भी है, तो मज़ा नहीं है वहाँ पे जाने का ऊपर, तो मे बी इस वजह से हम ऊपर ना जाएं। लेकिन उसके बाद यहाँ से आगे जो है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। हाँ, आगे 2-2.5 घंटे की ड्राइव है अड़नकेल की, ठीक है, तो उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे, 2-2.5 घंटे हम वहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ सोचेंगे अगला सीन हमारा क्या हो सकता है। देखो, इतनी दूर आए हो, शारदा तक पहुँच ही गए हो, तो जेट स्की तो करोगे ना, मैं तो कहता हूँ कर ही लो। जेट स्की की राइड लेने के बाद हम निकले आरंगेल की तरफ। आरंगेल देखने की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा मुझे थी, क्योंकि एक बार पहले भी आज़ाद कश्मीर आकर मैं आरंगेल नहीं जा सका था।
शदीद स्नोफॉल की वजह से रोड्स ब्लॉक थीं। खैर, लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। लोग आपको कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर काफ़ी अनसेफ प्लेस है, यहाँ पर ख़तरा है, मत जाएं, मिलिट्री एरिया है। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि अनसेफ है जगह, मत जाओ। लेकिन आपका भाई तो है ही खतरों का खिलाड़ी, तो हम आए हैं यहाँ पर, तो आप भी ज़रूर आएँ, और जब भी आएँ तो आरंगकेल ज़रूर जाएँ। देखो, अब मैंने ये ऊपर आरंगकेल तक जाने वाली बात कर तो दी है, लेकिन उसके लिए आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी, और हाइकिंग इज़ नॉट दैट सिंपल। लेकिन इतनी दूर आए हो तो हाइकिंग तो करोगे ना, मैं तो कहूंगा कर लो। ओ रांझणा वे, तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो कटरीना कैफ, मैं ना उस साइड के ऊपर, जरा इंडिया है तो भाई जरा सलाम दुआ कर रहा था।